हाँ फ्रेंड्स, चलिए आइए आज फिर से मैं आप लोगों को रेशियो के अगले पार्ट को बताने जा रहा हूँ। ये भी आपके एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत ही ट्रिकी है, इसे समझिए और अगर परीक्षा में आता है तो ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। एक बात और बच्चों, मेरे चैनल विजय सर देवघर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो इस तरह के वीडियो को जान सके, समझ सके और फायदा उठा सके। तो आइए बच्चों, सीखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन है बच्चों, एन अमाउंट ऑफ 950 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। कह रहा है बच्चों, 950 रुपया के राशि को ए बी और सी में हमें इस प्रकार क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि विभाजित करना है ताकि अनुपात क्या हो बच्चों, 5 हो, 5 अनुपात 11 अनुपात 3 हो। 950 को ए बी सी में 5 अनुपात 11 अनुपात 3 के अनुपात में बांटना है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड ए, और हमें बी और ए के शेयर का डिफरेंस निकालना है, यानी कि बी को कितना मिलता है और ए को कितना मिलता है, उन दोनों का अंतर निकालना है, मतलब दोनों के शेयर को घटाना है और ये बताना है कि क्या होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हमें बच्चों सीधा से देखना है, रेशियो एक नंबर बता रहे हैं, एक नंबर ध्यान दीजिए, रेशियो क्या क्या दिया है, ये रेशियो दिया गया बच्चों, गिवन जो है रेशियो है ए का अनुपात बी का अनुपात सी का, ए बी सी का रेशियो दिया है बच्चों 5:11:3, ए बी सी का रेशियो 5:11:3 दिया है। हमें चाहिए बी और ए का शेयर और उन दोनों का अंतर, तो बाकी सी से कोई मतलब हमें नहीं है, तो हमें बी का निकालना है। तो निकालेंगे बच्चों बी का, फिर निकालेंगे बी कैसे निकालेंगे, बी मतलब शेयर ऑफ बी, बी के हम क्या रखेंगे, शेयर ऑफ बी यानी कि बी का हिस्सा। तो देखिए बी का कितना है, ए बी सी 5:11:3, तो बी बीच में है, बीच में कौन है, 11 है, तो 11 लिखिए। और देखिए बच्चों कितना रुपया बांटना था हमको, 950 को बांटना था तीनों के बीच में, तो कितना था उसको, जिसके साथ जिसका शेयर निकालना है उसके साथ उसको गुना कर दीजिए और बाकी जो जो हिस्सा था सबको जोड़ दीजिए, यानी कि जो अनुपात था 5:11:3, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16:16:3 कितना हो गया बच्चों, 19 हो गया, 19, तो 19 से काट दीजिए, 19:5 जा 19:55 50 हो गया, तो 11 को 50 से गुना करेंगे, 11:55 यानी कि 550, ये बी का हिस्सा निकल गया बच्चों 550, ध्यान रखिएगा। अब ए का भी शेयर चाहिए, तो शेयर ऑफ ए, ए का हिस्सा, तो देखिए बच्चों ए पहले है, तो पहले क्या था 5 है, तो 5 गुना कितना रुपया को बांटना था, 950 को, तो 950 बटे टोटल कितना था 5:11:16:3 19, फिर 19:55 19 से 950 को काट दिए, 50 हुआ, 50 को 5 से गुणा करेंगे, 25 यानी कि 250, कितना बच्चों 250 हो गया, है ना। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस मतलब अंतर, तो 550 और 250 डिफरेंस लिख दीजिए, DIFF शॉर्ट में लिखना, डिफरेंस को घटा दीजिए, तो 550 में बच्चों कितना घटाना है हमें, 250, तो 550 में 250 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 का 0, 5 में 5 गया 0, 5 में चला गया 2, कितना बचा बच्चों 300। ये ए और बी के शेयर में कितना का डिफरेंस था, 300 का, समझ गए बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों नहीं समझ में आया, चलिए एक सवाल और समझते हैं इस तरह का, ध्यान दीजिए, गौर देखिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी में उतार लीजिएगा और बाद में इसे देखिएगा और इस तरह का सवाल खुद ले लेके बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 360 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2:3 360 रुपया को ए बी सी में 360 रुपया को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा गया है, 1:2:3 फाइंड द एससीएफ ऑफ द शेयर्स। तो ए बी सी का जो हिस्सा है उसका एससीएफ हमें निकालने बोल रहा है, तो बच्चों आपको एससीएफ निकालना तो आता ही है, चलिए पहले शेयर निकाल लेते हैं उसके बाद एससीएफ निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ चूंकि हमें ए बी सी का एससीएफ निकालना है, शेयर्स का एससीएफ, तो हमको तीनों का मान निकालना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों पहले ए का निकालते हैं, शेयर ऑफ ए, तो ए का निकालना है बच्चों। तो देखिए ए बी सी, पहला वाला ए का है, दूसरा वाला बी का है, तीसरा वाला सी का है, तो ए का कितना है 1 है, टोटल अमाउंट कितना 360, उससे इंटू कीजिए, अब सबको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 बच्चों काट दीजिए, 6 से 360 काटेंगे, के बार में कटेगा 60 बार में, तो 1 × 60 यानी कि क्या हो बच्चों, ए का मान 60 निकल गया। बी का मान निकालेंगे तो बी तो बीच वाला है, ए बी सी बीच में बी है, कितना 2 है, और टोटल अमाउंट कितना था बच्चों 360 बटे वही चीज 3, 2, 5 और 1, 6 तीनों को जोड़ के 6×6 36 यानी कि 60 हुआ, 60 × 2 = 60 यानी कि 120 हो गया बच्चों। और सी का पार्ट, सी 3 है, तो 3 × 360 / 60 / 3, 2, 5, 1, 6 तो बच्चों 360 को 6 से कटाएंगे तो 60 हो गया, तो बच्चों 60 × 3 × 3 = 60 यानी कि आपका हो गया 6×3 = 18 180 हो गया। तो बच्चों हमें एससीएफ निकालना है, 60, 120 और 180 का एससीएफ निकालना है, तो एससीएफ माने क्या होता है बच्चों, तीनों में जो कॉमन है, तो देखिए 60 से आपका 120 भी कट जाएगा, 60 से आपका 180 भी कट जाएगा, यानी कि एससीएफ मेरा 60 होगा, और यदि निकाल नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, अब देखिए 60 से पहले 120 कटाइए, 60 × 120 कट गया बच्चों, अब 60 से 180 को कटाइए, ये भी कट जाएगा, 60 किया 180, तो बच्चों 60 ही ऐसा है जो 120 और 180 को कटा दे रहा है, तो मतलब 60 ही आपका एससीएफ है, दिस इज योर आंसर। मुझे विश्वास है बच्चों आप लोगों ने इस सवाल को भी सीख लिया होगा, इस टाइप को भी जान लिया होगा, तो बच्चों मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल विजय सरदेवघर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन गुड बाय बाय।